हरे कृष्णा, एक और छोटा सा कमेंट और इस कमेंट को सुन के आप बहुत मोटिवेट होंगे, सुनिए। हेलो जी, डॉक्टर प्रतीक बात कर रहा हूँ। हाँ सर, नमस्ते। नमस्ते जी, बताएं आपका पिगमेंटेशन क्या सर? जी पिगमेंटेशन चेहरा कैसा है आपका? सर पिगमेंटेशन तो नाक पे जो था वो हट गया है, फोरहेड पे एक नया निकला था, वो हल्का सा स्पॉट टाइप से राइट साइड में है, बाकी 60% तक सही हो गया है। 60% सही हो गया आपका? जी जी। और क्योंकि लास्ट टाइम अपने जब मेरी बस से बात हुई थी जी, मेरी मार्च में बात हुई थी आपसे, आपने कहा था कि आपका ये जो बढ़ रहा है आपका पिगमेंटेशन ना, तो रुक गया आपका बढ़ना फिलहाल? हाँ अभी तो रुक गया है, अभी बढ़ नहीं रहा है, वाइट हो रहा है। आपने उस समय कहा था कि ये 10-15% आपका लाइट हुआ है जी, आज स्थिति आपकी 50-60% पे है ना? जी उस समय कुछ करते नहीं थे, थोड़ा टेंशन था, तो अभी भी टेंशन हो जाता तो डार्क हो जाता है, वैसे जब नींद और थोड़ा हैप्पी रहते तो लाइट हो जाता है। ये तो मैं आपसे हमेशा बोलता हूँ कि नींद अच्छे से पूरी कीजिए और खुश रहिए, इससे बहुत जल्दी आपका ठीक होगा, ठीक है? जी सर। और एक बार ये ठीक हो जाएगा तो फिर दोबारा नहीं आएगा आपसे, तो अभी मैं यही कहूंगा कि खुश रहिए, ठीक है जी सर। और वो जो आप बताए थे आपका, वो देखे थे यूट्यूब पे जो धनिया और चिया सीड वगैरह, तो सर वो हम कंफ्यूज थे इसलिए मैसेज किए थे, लेकिन मैम ने कुछ रिप्लाई नहीं किया कि वो मतलब नीम का, वो नीम पुदीना धनिया तो हम खाली पेट लेते हैं, तो इसके बाद वो कब लेना रहता है? एक घंटे बाद उधर धनिया का बताए थे आप। ठीक है, मैंने इनको कहा कि एक घंटे बाद इनको चिया सीड लेना है। अब इन्होंने ये पूछा था कि डॉक्टर साहब, जो सूखा वाला धनिया आपने बताया था उसका क्या करें? मैंने फिर इनको बोला कि अगर आप धनिया नीम के जूस के साथ ले रहे हैं हरा वाला, तो आपको सूखा धनिया लेने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, धनिया आपको उस कंडीशन में लेना है सूखा वाला, जब आपको ये हरा वाला उपलब्ध ना हो उस कंडीशन में। इन्होंने कहा कि मेरा पिगमेंटेशन 60% ठीक हो गया है, लाइट हो गया है। अब मैंने इनको कहा कि अगर आप खुश रहेंगे और अपनी नींद पूरी करेंगे तो आपका पिगमेंटेशन बहुत तेजी के साथ में ठीक होगा। आप में से कई लोगों की समस्या ये है कि उनकी नींद पूरी नहीं हो पाती, और जब उनकी नींद पूरी नहीं हो पाती तो जो उनके शरीर के अंदर से ऑक्सीटोसिन निकलते हैं वो पूरे नहीं हो पाते। मेरे साथ भी तो यही दिक्कत हुई थी जब मैंने दिन रात काम करना शुरू कर दिया था। बात होगी लगभग 2022 की, जब मैं अपने पेशेंट से रात भर बैठ के बात करता था, यानी बात तो नहीं, उनके रिप्लाई करता रहता था। मेरे पास में जो पुराने पेशेंट जुड़े हुए हैं उनको पता होगा, रात में 3 बजे रिप्लाई आ रहा मेरा, 4 बजे रिप्लाई आ रहा, 5 बजे रिप्लाई आ रहा। मतलब स्थिति ये होती थी कि मैं यहाँ से सुबह उठ के जाता था, जाके अपना फ्रेश होता था, नहाता था, नाश्ता करता था, फिर यहीं आके बैठ जाता था। मेरा सोने का कोई हिसाब नहीं, तो मेरी नींद बहुत डिस्टर्ब हुई। और 3 महीने मैं लगातार ऐसे ही करता रहा। पेशेंट इससे बहुत खुश हुए, पेशेंट को बहुत रिलीफ मिला, है ना। मेरे पास में पेशेंट की संख्या भी बहुत सारी बढ़ गई क्योंकि रेस्पॉन्स रेट बहुत अच्छा था उस समय पर। रेस्पॉन्स मतलब कि मेरा रेस्पॉन्स करना बहुत अच्छा था, जो कि सभी को अच्छा लगता है क्योंकि उनको पहले प्रायोरिटी दी जा रही थी, तो खुद से भी ज्यादा मैंने उनको प्रायोरिटी दी कि चलो ठीक है यार, मैं तो फिट हूँ ही, मुझे तो बिलीव था कि मैं तो फिट हूँ ही, तो मैं अपने पेशेंट को फिट करता हूँ। तो मैं दिन रात मैंने कुछ नहीं देखा, बस रिप्लाई देना और पेशेंट की समस्याओं को दूर करना, ये चीज। परिणाम ये हुआ कि 3 महीने के बाद में मैं बीमार पड़ा और मेरा 1 महीने में 16 किलो वेट कम हो गया, है ना। 16 kg मायने रखता 1 महीने में कम होना, तो स्थिति ये हो गई थी। मतलब सीधा 84 से मेरा वेट घट के 69-68 रह गया एकदम से 1 महीने के अंदर। मतलब तो मुझे पता लगा कि यार सोना भी बहुत जरूरी है। चलो हमें एक लक्ष्य को पाना है, उसमें हमें दिन रात मेहनत करनी पड़ती है, जागना पड़ता है, बट सोना भी उतना ही जरूरी है। और मैंने ये चीज़ देखी है कि जब पेशेंट अपनी प्रॉपर नींद पूरी नहीं कर पाते हैं तो उनका पिगमेंटेशन थोड़ा लेट जाके ठीक होता है। तो नींद कैसे प्रॉपर आप करें? नींद को प्रॉपर आपको ये करना है कि आपको लगभग, आपको बताऊं मैं कैसे आपको पिगमेंटेशन को कैसे जल्दी ठीक कर सकते हैं आप, एक तो प्रॉपर नींद करके और एक प्रॉपर वॉक करके, है ना। आपको 3-4 चीज़ें बहुत मुख्य करनी है। पहली चीज़ वो जूस पीना है सुबह सुबह, जो मैंने आपको बताया, नीम धनिया पुदीना, ठीक है। चिया सीड आपको लेना है 1 घंटे बाद, 2 या 3 चम्मच जो आप पीते हैं उसको एकदम पी जाइए ताकि आपके कॉन्स्टिपेशन ना हो। तीसरी चीज, जो आप गेहूं का आटा खाते हैं वो मोटे अनाज का आटा खाइए आप, जैसे रागी का आटा हो गया, या फिर जो बाजरा चना मक्का ज्वार इस तरह का हो गया, या फिर पॉजिटिव मिलेट आप खाइए, जो कि डायबिटीज वाले पेशेंट खाते हैं पॉजिटिव मिलेट। ये 3 चीज हो गई, है ना, ये आप खाएंगे, आपके शरीर के अंदर टॉक्सिन इकट्ठा नहीं होगा, बाकी आपकी पूरी बॉडी डिटॉक्स हो जाएगी। चौथी चीज, आपको पूरे दिन में 12,000 कदम चलना है पूरे दिन में। तो जब आप सुबह सुबह चल रहे हैं, अपना जेब के
अंदर फोन लेके चले, तो जब आप चलेंगे तो आप कदम गिनते रहेंगे उसमें कितने कदम आप चल रहे हैं, तो पूरे दिन में टोटल 12,000 कदम चलेंगे। और मैं आपको बता दूं, अगर आप लगातार 3 घंटे वॉक करते हैं एक नॉर्मल स्पीड से, तब जाके आपका 12,000 कदम आपके तब पूरे होते हैं। और उसके बाद में आपको नींद बहुत अच्छी आती है, क्योंकि आपके ब्लड का सर्कुलेशन पूरे शरीर में बहुत अच्छा होता है और पिगमेंटेशन आपके घोड़े की रफ्तार से ठीक होगी। दूसरी बात, अब बात रही नींद की, तो नींद की बात यह है कि जब आप बिस्तर पर जाके लेट हैं, आपको फोन नहीं चलाना, सबसे जरूरी चीज। हमारे हाथ में फोन आ गया और इस चीज से हम बहुत डिस्टर्ब रहते हैं। आपने देखा होगा कि जब आप बैठ के फोन चलाएंगे ना तो आपको नींद नहीं आएगी। तो उस चीज से बचने के लिए सबसे अच्छा उपाय यह है कि जब आप वॉक कर रहे हो ना, बस तभी फोन चला लीजिए अपना। जैसे आपने ये नियम बनाना है कि मुझे बिस्तर पर लेट कर या फिर बिस्तर पर बैठ कर मुझे फोन नहीं चलाना। अगर मुझे रात को फोन चलाना है, जैसे आप मेरी वीडियो देख रहे हैं रात में लेट के मेरी वीडियो मत देखिए, खड़े खड़े वीडियो देखिए आप मेरी, मतलब कहीं किचन में काम कर रहे हैं तब वीडियो देख लीजिए, वॉक करते करते वीडियो देख लीजिए। हाँ, बस छत का ध्यान रखना है ना, बट वॉक करते करते आप मेरी वीडियो उसको देख लीजिए, समझ लीजिए उस चीज को, ठीक है। तो आप इंस्टाग्राम पर रील देख रहे हैं कोई बात नहीं, गाने सुन रहे हैं कोई बात नहीं, कुछ भी देख रहे हैं कोई बात नहीं, लेकिन लेट के फोन नहीं चलाना, बैठ के फोन नहीं चलाना। जब आप कंफर्टेबल हो तब फोन नहीं चलाना, आपने फोन चलाना है जब आप वॉक कर रहे हो, जब आप खड़े हो उस समय। और जब फाइनली सोने के लिए आप जाएं तो फोन को रख दें साइड में और फिर जाके बिस्तर पे लेटे हैं। आप देखेंगे कि 2-3 दिन में आपकी नींद की क्वालिटी बहुत अच्छी हो गई। और जो ये मैंने रूटीन आपको बताया है ना, इसमें आपका पिगमेंटेशन बहुत अच्छे से ठीक होगा, बहुत तेजी से। और जिन लोगों का बहुत स्लो ठीक हो रहा है ना, उनका भी बहुत तेजी से जाएगा, क्योंकि शरीर के अंदर कोई भी टॉक्सिन आपके आएगा नहीं, सारे टॉक्सिन आपके बाहर जाएंगे, ब्लड का सर्कुलेशन आपका अच्छा हो जाएगा, शरीर के अंदर आपका ऑक्सीजन का लेवल बढ़ जाएगा। ऑक्सीजन का लेवल कैसे बढ़ेगा, क्योंकि जब आप वॉक करेंगे तो केवल लंबी सांस लेंगे और लंबी सांस छोड़ेंगे, इस चीज पे आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। जैसे वॉक कर रहे हो तो लंबी सांस खींच रहे हैं, लंबी सांस छोड़ रहे हैं, इस चीज पे आपका फोकस है। इस तरीके से आपको नींद भी बहुत अच्छी आएगी, आपके हेयर्स भी बहुत अच्छे हो जाएंगे, आपका चेहरा भी बहुत अच्छा हो जाएगा और आपकी ओवरऑल हेल्थ भी बहुत अच्छी हो जाएगी। आप करके देखिए, ये मैं आपको चैलेंज दे रहा हूँ, 12,000 कदम आपको डेली वॉक करना है। और अगर आप 12,000 कदम चलेंगे, मतलब मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट कर देना कि आपको मेरा चैलेंज स्वीकार है ना, और आप मुझे 1 महीने बाद बता देना कि आपकी नींद की क्वालिटी क्या है, आपका टेंशन का लेवल क्या है, स्ट्रेस का लेवल आपका क्या है और आपकी पिगमेंटेशन कैसा है, सिर्फ 1 महीने में मुझे बता देना। और मैं गारंटी से इस चीज को बोल रहा हूँ कि जिसने ये रूटीन फॉलो कर लिया जो मैंने अभी आपको बताया है, गारंटी से उसका पिगमेंटेशन 101% खत्म होने वाला है इस चीज के चलते, अगर वो ये चीज करता है तो। दौड़ना नहीं है, हैवी एक्सरसाइज नहीं करनी है, इस चीज का ध्यान रखना, ओके। चलते हुए लंबा सांस खींचना है, लंबा सांस छोड़ना है और प्रॉपर आपको सोना है और शरीर के अंदर टॉक्सिन नहीं आना चाहिए आपके, बस इतना कर लीजिए और पिगमेंटेशन आपका 100% ठीक, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। चलिए, मैं प्रार्थना करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ रहें, आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे, परमात्मा सभी का भला करे।